मैंने बोला था ना भाई, पिंक ड्रेस पहनेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन तू विराट के साथ इतने पंगे क्यों लेता रे? वो मेरी टीम का कैप्टन है, उसके साथ पंगे मत लेते जा। क्या करूँ भाई, मेरा खून गरम है और विराट का भी खून गरम है। तो तुम दोनों एक काम करो, उस खून में चाय पत्ती और शक्कर डाल के एक कप चाय बना लो मेरे लिए, मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। माँ की किरकिरी। सब के सब मेरे भरोसे। अरे क्या कर क्या रहे तुम लोग? और ये हिटमैन के 2.5 किलो के बैट को क्या हुआ? 1.5 किलो के हो गए क्या? ओए नहीं, वो तो 2.5 किलो की है। वो रबाड़ा मेरा हमेशा कबाड़ा कर देता है भाई। हार्दिक पांड्या से बाबा जी का चूरन लेना पड़ेगा। घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा लेते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ओके, अगली बार दही शक्कर खा के आऊंगा, रबाड़ा के टकले की कसम। और ये अपने अय्यर को क्या हो गया? 18 रन पर आउट हो गया। ये सिर्फ गब्बर ही है जो मेरा साथ दे रहा है। भाई आपका साथ देने से डर नहीं लगता, रन आउट होने से डर लगता है। एक ही बार रन आउट किया था, अब क्या हर मैच में करूंगा क्या? और ये चहल और कुलदीप को क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? अरे भाई उन्होंने पिंक कलर के कपड़े पहने थे और पिंक कलर तो लड़कियां पहनती है, हमें लगा कि वो लड़कियां ही है। हेलमेट के अंदर से तो शक्ल भी लड़की जैसी लग रही थी। उस मैदान के हरी घास में हर जगह पिंक कलर दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम लड़कियों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए परफॉर्मेंस में थोड़ा गड़बड़ हो गई। हाँ भाई, वैसे तो हम सख्त लौंडे हैं, लेकिन उस गुलाबी कलर को देखकर पिघल गए भाई। और चहल भाई, तूने नो बॉल क्यों डाली? अरे भाई, इस लड़की ने मुझे स्टेडियम से आंख मारी, जिसे देखकर गलती से मैंने नो बॉल डाल दी और क्लीन बोल्ड भी हो गया। ऐसी आंख कौन मारता है भाई? मैं भी सख्त लौंडा था एक जमाने में, लेकिन जब से शादी हुई तब से पिघल गया भाई। हाँ भाई, शादी के बाद जो भी सख्त चीजें होती है ना, वो सब पिघल जाती है। लेकिन वो पिंक कलर देखकर मैं तो नहीं पिघला भाई, मैं तो अब भी उनको धो रहा हूँ। तुम लोग पिघल गए, मुझ पर नहीं हुआ उस पिंक कलर का असर। भाई ये असर अब नहीं होगा, ये असर होगा वैलेंटाइन डे के। वैलेंटाइन डे मनाने से डर नहीं लगता साहब, बजरंग दल वालों से लगता है। भाई मुझे तो नगर पालिका से डर लगता है। अरे केदार भाई, तेरे दांत तो नगर पालिका ने तोड़ दिए थे, वापस कैसे आए? भाई वो वापस आ गए, स्पूफ ट्यूब वालों ने एनिमेशन करके वापस ला दिए। अच्छा, ये स्पूफ ट्यूब वाले डेंटिस्ट है क्या? भाई मैं कल की मैच में नहीं था ना, इसलिए हार गए अपन। अब अगली बार में देखना, मेरी एंट्री हुई बस जीत गए समझो। हाँ, उनको लगता है कि वो लोग गुलाबी पहनकर हमको हरा देंगे। अभी और 2 मैच बाकी है मुन्ना। और हार्दिक भाई, तुझसे बहुत उम्मीदें थी भाई। क्या करूं भाई, वो लोग तो उचक उचक के कैच पकड़ते हैं और वो रबाड़ा जमीन के अंदर धस के कैच पकड़ लेता है, पता नहीं हालत किस मिट्टी का बना है। नगर पालिका वाले भाई साहब क्या सोच रहे हो? वैसे तो मैं आज आपको ही लेके जाने वाला था, पर आपके हाथ में जो बैट है ना, उससे डर लग रहा है। ओए सोचना भी।